मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर, आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं, आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। बीते दिनों गुजरात जाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालक के घर गए और खाना खाया, इसको लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। पुलिस से अनबन भी हुई थी, सिक्योरिटी को लेकर बवाल मचा था। और अब एक और इसी तरह का वाक्या सामने आया है, जहां आज वो सभा को संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान वाल्मीकि समाज का एक युवक जिसका नाम हर्ष सोलंकी बताया जा रहा है, वे खड़ा होता है और केजरीवाल से ये निवेदन करता है कि आप जिस तरह से बीते दिनों ऑटो चालक के घर खाना खाने गए थे, क्या आप मेरे घर आकर एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर आकर खाना खाना पसंद करेंगे? तो इस पर केजरीवाल हामी भर देते हैं, लेकिन एक प्रस्ताव रखते हैं कि उससे पहले आपको मेरे घर आकर खाना खाना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि तमाम नेता चुनावी फायदों को देखते हुए ऐसी कोशिश करते हैं कि दलित परिवारों के बीच जाकर खाना खाया जा सके, लेकिन मैं आपको प्रस्ताव देता हूं, मैं आपकी हवाई जहाज की टिकट करा देता हूं, आप कल दिल्ली आएंगे और मेरे परिवार के साथ खाना खाएंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15-20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर, मानोगे? बताओ। पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर, आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं, आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, पांच लोग हैं हम। पांच लोग हैं? हाँ सर। तो कल पांचों लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। पक्का सर, पक्का। एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी, एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी। एक मिनट हर्ष, एक सेवा का मौका पंजाब को भी मिलना चाहिए कि कल जब आप पांचों लोग आप अपने परिवार के समेत सीएम साहब के घर पे खाना खाओगे, तो आपके ठहरने का प्रबंध जो है वो पंजाब भवन में करेंगे, दिल्ली में आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप दिल्ली में स्कूल भी देख के आना, सब कुछ देख के आना, दिल्ली में फिर बताना है। पक्का सर। इस पर पंजाब के सीएम भगवत मान, जो बिल्कुल बराबर में बैठे थे केजरीवाल के, वे कह पड़ते हैं कि ऐसे में कुछ सेवा का मौका पंजाब वालों को भी मिलना चाहिए। तो ऐसे में जब कल आप दिल्ली आएंगे तो आपके रहने का बंदोबस्त पंजाब भवन में होगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।